Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, last video में हमने importance of marketing पढ़ा, आज हम marketing के functions पढ़ेंगे. Functions मतलब marketing में क्या-क्या होता है. What all is done to sell your product to the final consumer. फर्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग स्टार्ट कैसे किया जाता है? इट इज रिसर्च, मार्केट रिसर्च. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट रिसर्च? मार्केट रिसर्च मींस हम फाइंड आउट करते हैं कि कस्टमर्स के लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या है, कस्टमर्स के नीड्स क्या है. अगर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसको कितना खरीदेगा, कब खरीदेगा, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च में हमें दो टाइप का डेटा मिलता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा. What is primary data? Which I find from my dealers, which I find from my salesperson, which I find from my, customers, which I find from my shopkeepers, retailers. First-hand information, in short, is called as primary data. What is secondary data? Already ये data कोई journal में, कोई newspaper में, कहीं ना कहीं publish हो चुका है. अब मैं मेरे use के लिए जब ये data को use करती हूँ, तो इसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं. आफ्टर द रिसर्च माय फोर पीस कम इनटू द पिक्चर डियर फ्रेंड्स. फर्स्ट इज आई मेक अ प्रोडक्ट व्हाट द कस्टमर वांट्स. व्हेन आई मेक अ प्रोडक्ट आई जस्ट नॉट ओनली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट बट मुझे उसको एक आइडेंटिटी देना पड़ेगा. सो आई हैव टू गिव अ नेम टू द प्रोडक्ट. नेमिंग अ प्रोडक्ट एंड गिविंग द प्रोडक्ट द आइडेंटिटी so that your product is identified and differentiated from the customer is called as branding. So I give a name to the product which is called as branding. After branding, I want to sell the product as much as possible in the market. So what I will do? Advertising. You are all very familiar. आपने तो बहुत सारे एड्स देखे होंगे टीवी पे सारे प्रोडक्ट्स के. नेक्स्ट इज आफ्टर सेल्स सर्विस. आफ्टर द कंज्यूमर बाइज द प्रोडक्ट वहां पे मार्केटिंग खत्म नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ओवन खरीदा तो आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर टू और थ्री डेज वो बंदा आएगा और मुझे वो डेमो देके जाएगा कि ये ओवन में मैडम क्या क्या चीजें बनती हैं, इसे कैसे यूज किया जाता है. उसके बाद भी अगर आपको कहीं तकलीफ है तो वो आपको रेफरेंस देगा कि यू प्लीज गो एंड अटेंड दिस क्लास, हमारा यहाँ पे डेमो हो रहा है. उसके बाद भी अगर आपका ओवन बिगड़ जाता है तो दैट पर्सन विल हेल्प यू विथ फ्री रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. देयर विल बी अ वारंटी और गारंटी ऑफ से 6 months और समथिंग लाइक दैट. तो ये हो गया आपका आफ्टर सेल्स सर्विस. नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन. नाउ व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? आई विल टेल यू सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. हैव यू हर्ड अबाउट कॉन्टेस्ट? जैसे कि मुझे एक चीज बराबर से याद है, मैगी जब भी रीलॉन्च हुआ था तो उसका एक सेल करने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक था, विच वॉज आप अपनी स्टोरी लिखो और वहां पे आपने मैगी को कैसे खाया. तो कस्टमर जिसने प्राइज जीता था इसमें, उसने एक स्टोरी लिखा था दैट इट वॉज रेनिंग वेरी हेविली और सब ट्रेन बंद हो गए थे और एक बंदे ने मुझे रेस्क्यू किया जब सब ट्रेन बंद हो गए थे और उसने मुझे अपने घर में शेल्टर दिया एंड दैट मैन मेड मैगी फॉर मी. सो आई जस्ट स्टिल टूडे रिमेम्बर द टेस्ट ऑफ मैगी, इट वॉज एक्सिलेंट एंड दिस कंटेस्ट वन द फर्स्ट प्राइज. तो होता क्या है कि कंटेस्ट ऑफर्स, बाय वन गेट वन फ्री, प्राइस रिडक्शन हो जाता है, जब ये सारा सब चीज ट्रेड एंड फेयर्स में, एग्जीबिशंस में जब अपना प्रोडक्ट लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं मार्केटर्स, ऑल दिस थिंग्स कूपन्स देते हैं आपको कि अभी आपको ये वाउचर है ऑन परचेज ऑफ 1000 यू विल गेट ₹250 ऑफ, ये कूपन होता है राइट. ये सब में आपको ये सारी चीजें सेल्स प्रमोशन के अंदर आती है. तो मार्केटर वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू डू सेल्स प्रमोशन. नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग क्या होता है? सेल्समैनशिप आपको तो पता ही है, वन टू वन पर्सनल सेलिंग. जब आप कोई शॉप में जाते हो, इयररिंग्स ट्राई करते हो, कैसा लग रहा है, तो लेडी देयर सेज मैडम इट्स लुकिंग गॉर्जियस, यू विल रियली गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. देन यू ट्राई द अदर वन, नो नो मैडम वो बेटर था. सो शी इन्फ्लुएंसेस यू, शी वॉन्ट्स टू सेल द प्रोडक्ट, शी इज इन्फ्लुएंसिंग यू, शी इज सजेस्टिंग टू यू वॉट इज गुड फॉर यू, वॉट इज बैड फॉर यू.
This is one example of personal selling, wherein you do one-to-one selling. Next is pricing the product. The marketer always has to price the product. Okay, suppose the cost of my product is 10 rupees. I may price it as I want. I will consider the cost of product. I will also consider the profit I want. I will also consider what price the competitor has in the market. Accordingly, I will price the product so that my product is sold. After that, now suppose, think students, you are very convinced you want to buy the product. You go to the retail shop and say, ki mujhe XYZ product de do. And the retailer tells you, hamare paas to stock hi nahi hai. You will be so dissatisfied. One of the main functions of marketing is physical distribution. What is physical distribution? It is also called as place. What is the meaning of place? That the product is available when you want it. Where you want it. Suppose I want to buy a toothpaste, it is available. For example, now when we are traveling at night in the train for a night journey, people, hawkers make that product available to you, like toothpaste, toothbrush, paper soaps and so on. So this is that physical distribution point wherein the product reaches from the marketer to the customer. See, it's very important. Otherwise, if the product is not available with you, with the retailer or from anywhere, wherever you want, it is all the efforts of marketing are waste. Even the promotion which I have done is waste. And last but not the least is customer relationship. Marketers today, big marketers, including banks, including NGOs, everybody is trying to retain their customers, create more customers, and that is only possible by maintaining good customer relationships. Right? Thank you. If you like the video, stay tuned with Ekida and subscribe Ekida. Thank you.